लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट. हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड. दैट इज हेल्दी पर्सन टेस्टेड देन विथ probability 0.005. The test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और मैंने इसीलिए दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लिखा है ताकि इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको एक साथ समझ में आए. बहुत ही घुमा फिरा के लैंग्वेज लिखी गई है. एक्चुअली में सीधी लैंग्वेज नहीं लिखी है, लैंग्वेज बहुत टेढ़ी लिखी हुई है. सबसे पहला काम है आप ये देखो कि हमारे E1 और E2 क्या है या E3. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज. पर्सन हैज द डिजीज यानी कि उस आदमी को डिजीज एक्चुअली में है या नहीं है. यानी कि हमारा सैंपल स्पेस दो पार्ट में डिवाइड होगा, या तो डिजीज है एक्चुअली में या तो डिजीज है या डिजीज नहीं है. नॉट एक्चुअली पहला काम तो ये होगा पर्सन हैज द डिजीज. यहां पे होना चाहिए था एक्चुअली डिजीज. तो लेट E1 बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड इज एक्चुअली डिजीज. Even be the event that the person selected is actually disease. उसको actual में बीमारी है, ये E1 event है. And E2 be the event that person selected is not actually डिजीज. E1 को मैंने मान लिया कि E1 बी द इवेंट दैट पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली डिजीज. E2 बी द इवेंट दैट पर्सन सेलेक्टेड इज नॉट एक्चुअली डिजीज. हियर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. PE1 क्या होगा और PE2 क्या होगा. क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही टेढ़ी लिखी हुई है. क्वेश्चन में पहले बात कर रहा है जो आपके टेस्ट रिपोर्ट की, टेस्ट रिजल्ट की बात कर रहा है कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है. हमें एक्चुअली में ये देखना है कि कितने परसेंट लोगों को एक्चुअली में ये डिजीज है, कितनों को नहीं है. हमारे पास सैंपल स्पेस में, मैंने सैंपल स्पेस को दो पार्ट में ब्रेक किया है, या तो डिजीज एक्चुअली है या नहीं है. तो पहले देखते हैं लैंग्वेज को, यहां से देखिए आप ध्यान से. इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज यानी PE1 क्या होगा. 0.1% इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 1/1000 आ जाएगा. यानी कि ये हटा दो यहां पर, यानी कि 1/1000. 1000 में एक को ये एक्चुअली में है तो कितने को नहीं है. इसमें से ये घटा दो कितना आ जाएगा 999/1000.
आपको समझ में आ गया होगा, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो 1/1000 आया, यानी कि इसका मतलब है 999 लोगों को यह बीमारी नहीं होगी, डिजीज नॉट एक्चुअली, ये हो गया। अब इवेंट ए क्या है, गिवेन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो लेट ए बी द इवेंट दैट पर्सन्स ब्लड टेस्ट, पर्सन्स ब्लड टेस्ट, पर्सन्स ब्लड टेस्ट इज डायग्नोस्ड पॉजिटिव, इज डायग्नोस्ड पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, पी ए बाई ई वन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन्स टेस्टेड एज पॉजिटिव रिजल्ट गिवन ही इज एक्चुअली हैविंग डिजीज, पी ए बाई ई वन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन टेस्टेड एज पॉजिटिव रिजल्ट गिवेन दैट ही इज एक्चुअली हैविंग डिजीज, और पी ए बाई ई टू क्या होगा, पहले पी ए बाई ई वन लिख लेते हैं, पी ए बाई ई वन ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, 99% वो डिटेक्ट करता है, तो 99% हो जाएगा इसका, 99% इफेक्टिव डिटेक्टिंग इन अ सर्टेन डिजीज, 99% ठीक कर रहा है, और 0.5% जो है वो हेल्दी पर्सन को भी डिटेक्ट कर देता है। क्या होता है जब टेस्ट कोई करते हैं तो 99% सफल होता है, 99% जब कोई टेस्ट होता है तो 99% डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी है, 99% डिटेक्ट होता है और 1% जो है डिटेक्ट नहीं होता है। अब डिटेक्ट होने के बाद भी कुछ गलतियां होती हैं, कभी कभार डिटेक्ट होने के बाद जिस पर्सन को बीमारी नहीं है वो भी उनमें कभी कभी गड़बड़ रिपोर्ट दे देता है, तो पी ए बाई ई वन क्या होगा, 99% ये हो जाएगा, पी ए बाई ई टू क्या होगा, यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन टेस्टेड एस probability that person tested as positive result given that he is not actually having disease, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.5%, 0.5% लोग जो हेल्दी होते हैं उनको भी ये लिखा हुआ है उसमें, that is healthy person tested, तो 0.005, 0.5% को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.005। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, हैज द, यहां एक्चुअली होना चाहिए था हैज एक्चुअली डिजीज गिवन दैट, यानी कि हमको निकालना है पी ई वन बाई ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट
क्या फाइंड करना है? टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज एक्चुअली डिजीज गिवेन दैट, ये चीज दी हुई है, गिवेन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव, गिवेन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव, ये आपको निकालना है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए आराम से, PE1/A का फॉर्मूला क्या होगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। PE1 क्या है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 22/133। एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस को ढूंढना होता है कि सैंपल स्पेस कितने पार्ट में डिवाइड है। पर्सन हैज एक्चुअली डिजीज, यानी कि या तो पर्सन को बीमारी है या नहीं है। लेट ईवन बी द इवेंट दैट पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली डिजीज, E2 बी द इवेंट दैट पर्सन सेलेक्टेड इज नॉट एक्चुअली डिजीज। E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट्स। PE1 यहां से पकड़ में आया, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो PE1 ये हो गया। तो 1/1000 है तो 999 को नहीं होगा, इज नॉट एक्चुअली डिजीज। ए बी द इवेंट दैट पर्सन्स ब्लड टेस्ट इज डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव, PA/E1 प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन टेस्टेड एज पॉजिटिव। ए का मतलब पॉजिटिव है, क्या चीज गिवन है कि वो एक्चुअली में उसको डिजीज है। यहां पर वही लैंग्वेज लिखनी है, मैं बार बार कह रहा हूं लैंग्वेज को आपको लिखना है। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन टेस्टेड एज पॉजिटिव रिजल्ट गिवन दैट ही इज नॉट एक्चुअली हैविंग डिजीज। फिर PE1/A का मतलब क्या है? PE1/A आपको निकालना है, ये आपने वैल्यू रखी और आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को अभी इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका उस तरफ है, उसको भी कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन, ऑफ प्यूपिल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, वहां पर 99% आपका डिटेक्ट करता था, 10% गो अनडिटेक्टेड। कोई बात नहीं, यहां पे लिखा नहीं है लेकिन यहां लिखा हुआ है, तो इस लाइन को इस ये लाइन हमारे यूज में नहीं है, 10% गो अनडिटेक्टेड, इस लाइन का कोई यूज हम लोग नहीं करेंगे। ऑफ प्यूपिल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट निगेटिव, इस लाइन का भी कोई यूज नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV निगेटिव। कोई बात नहीं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हमें तो पॉजिटिव मतलब है। बट 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV पॉजिटिव फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। यहां पर भी 0.1% लोगों को एक्चुअली डिजीज था जब ब्लड टेस्ट हुआ था। 1% इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, यहां पर भी एक ही आदमी को पर्सन को सिलेक्ट किया गया था। गिवन दैट HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम HIV पॉजिटिव, वहां पर ब्लड की टेस्ट थी और यहां पर HIV टेस्ट है, वो पॉजिटिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV? यहां पर भी सैंपल स्पेस दो में टूटेगा, यहां पर भी सैंपल स्पेस दो में टूटेगा, E1 E2 एक्चुअली नॉट एक्चुअली। क्या लिखेंगे? लेट E1 बी द इवेंट दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग डिजीज, लिख लीजिए यहां पे,
is actually having disease. Having disease. E2 be the event that person selected is not actually having disease. एक है इवेंट इज एक्चुअली हैविंग डिजीज, एक है इवेंट E2 इज नॉट एक्चुअली हैविंग डिजीज. हेंस E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. लेट ए बी द इवेंट दैट PE1 क्या हो जाएगा, 0.1% हैव HIV. फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1%, यहां पर भी 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज. तो 0.1% को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1/1000 आ जाएगा. तो PE2 क्या आ जाएगा आपको अपने आप 999/1000. अब आगे बढ़ते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट एक्चुअली हैविंग HIV लिख लो, यहां पे डिजीज मत लिखो, एक्चुअली हैविंग एचआईवी कर लो. लेट ए बी द इवेंट दैट पर्संस का HIV इज पॉजिटिव. A by E1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन टेस्टेड एज, लिख लीजिए पर्सन टेस्टेड एज पॉजिटिव रिजल्ट हैज HIV पॉजिटिव, टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव. Given that he is actually having HIV. PA by E1 क्या हो जाएगा, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट, यानी यहां 90/100 आ जाएगा. हमें इन बातों को ध्यान ही नहीं देना है कि वो निगेटिव है टेस्ट या 10% ये आपको डिटेक्ट नहीं होता है, हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना, हमें तो अपने मतलब की बात देखनी है इसमें. अब PA by E2 क्या होगा, पर्सन टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव गिवन दैट ही इज नॉट एक्चुअली हैविंग HIV, ये लिखना है. अब क्या होगा यहां पर, 1% Diagnosed as showing HIV, 99% test जो हैं वो HIV negative आते हैं, लेकिन 1% are test as showing HIV positive. तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/100. अब टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, P एक्चुअली में है, PE1 by A फाइंड करना है. इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी that person actually has HIV given that the test result is HIV positive. अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, PE1 dot PA by E1 upon PE1 dot PA by E1 plus PE2 dot PA by E2. वैल्यूज पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज आपको पता है, 1/1000 99 upon 1000, PE2 90/100, 1/100, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर.